सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्ते। मैं अंजू देवी बुटला आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में एक शानदार ब्लॉग में। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत करें मैं खूबसूरत शहर मुंबई से और अपने प्यारे से रूम से। टाइम हो गया दोपहर का 12:15 हो गया है। मेरे दिन की शुरुआत तो सुबह से हो जाती है लेकिन ब्लॉग की शुरुआत में बहुत लेट करें, हमेशा लेट ही होते हैं क्योंकि गुड़िया के पास रहता है मोबाइल। आजकल बच्चों का छुट्टी पड़ा है स्कूल का, यानी कि गणेश भगवान जी आजकल घर पे पधारे हैं तो इसलिए उनका छुट्टी पड़ रहा है 10-12 दिन का। तो उनको होमवर्क इतना ज़्यादा आया है तो बोलती जैसे उठी नाश्ता नुश्ता किया तो उसके पास चला गया था मोबाइल। तो मैंने बोला चलो मैं भी काम करी, अपना नाश्ता नुश्ता बना रही थी, बर्तन उर्तन धो नाश्ता वास्ता किया जो भी होता है सुबह का। तो मैंने बोला चलो तब तक तू कर ले अपना काम है, तो अपना मेरा सब काम हो गया अभी। तो मैंने बोला ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेती हूँ और आपसे रूबरू भी हो जाती हूँ। अब हो गया टाइम मेरा किचन में जाने का, सुबह किचन, दोपहर किचन, शाम किचन और रात को भी किचन, मैं और मेरा प्यारा सा किचन जिसमें मेरा दिन का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजरता है। अब जाती हूँ मैं लंच बनाने के लिए, गुड़िया चली गई पापा के साथ में गुलीवाड़ा। घर पे हम तीन जने, परवेश सोया है परवेश, क्योंकि अब बोलता मम्मी मेरे को जागरण में जाना है रात। मैंने पिता का नहीं होता, माता का जागरण होता है। तो बोलते सब दोस्त लोग नीचे मंडप में बैठे हैं तो मैं भी नीचे रहेगा दोस्तों के साथ में मंडप में, जिधर गणपति बप्पा हैं उधर। तो सुबह आया वो 6:30 बजे, नाश्ता भी नहीं किया सो गया। तो बोलते मेरे को उठाना नहीं, वैसे मैंने पालक पनीर बनाया था दिखा नहीं पाई क्लिप क्योंकि गुड़िया के पास था मोबाइल, उसको बहुत पसंद है, उसके लिए रोटी भी बनाई भाजी बना के रखा। लेकिन उसने मना किया अब दोपहर को खाने के लिए उठेगा तो ठीक है, नहीं तो शाम को उठाना क्योंकि रात भर से जगा है, कल दिन भर भी जगा ही था, रात भर भी जगा तो नींद पूरी होना ज़रूरी है। वैसे उसका अत्यंत क्या देखती है, अगर उसका क्या बोलते हैं उसको क्लासेस होगा तो उसको उठाना ही पड़ेगा कुछ कैसे भी करके, नहीं होगा तो देखती है 2-3 बजे, जब 2 बजे तक खाना बन जाएगा तब उसको उठाती हूँ। क्योंकि 3 जन तो हमें उसके लिए रोटी बनाए, 2 जन तो खाने वाले हैं खाली खाना खाने वाले, कि उसके लिए रोटी बनाई तो 2 रोटी और बना लेगी बस हो गया, भात उतनी भी खाएगा तो चलेगा। रोटी अच्छी होती वैसे भी सेहत के लिए, भात खाकर पहले हम इतने मोटे हैं फूले हैं तो भात खाते तो और ज़्यादा फूले, मेरे को तो भात पचता ही नहीं दोस्तों। पता नहीं उम्र तो अभी उतनी हुई भी नहीं, पता नहीं भात खाती तो गैस हो जाती, इतने कमर में इतना दर्द होने लगता है, नसों में दर्द होता है, ऐसे मुट्ठी बंद करने को नहीं होता जैसा भात खाती हूँ। तो छोड़ती भी नहीं हूँ मैं, ज़्यादातर लगातार खाती हूँ, ज़्यादातर रोटी ही खाती हूँ, कभी कभार थोड़ी सी हो गई एक चम्मच हो गया तो ठीक है, उसी से बोलते दवाई कितनी होती उसी से तबीयत ख़राब होती है, लेकिन मन नहीं मानता है ना। तो चलो जाती हूँ किचन में क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 12:15 हो गया, खाना बनते बनते मेरा 1:45 हो जाएगा। तो चलो ये तो हमेशा है खाना बनाओ का, वो तो हमेशा का काम है। अब वीडियो भी नहीं बन रहा ज़्यादा क्योंकि गुड़िया के पास बोल नहीं रही, मैं स्कूल का भी आ रहा है, क्लासेस का भी छुट्टी पड़ा था, दोनों जगह का होमवर्क आ रहा है, तो उसी के पास हो रहा है ये मोबाइल दिन भर। तो मेरे दिन को भी दोपहर खाना वाना खाने के बाद मैं सो जाती हूँ, फिर वही लेती हूँ मोबाइल। मोबाइल मेरे पास तब देती है जब मोबाइल मतलब बैटरी लो हो जाती है, तो मैं क्या बनाऊँ शाम के टाइम पर। तो चलो जितना भी क्लिप बनता है उतना बनाएगी और आपको ढेर सारा प्यार देना होगा मेरे ब्लॉग को, बने रहे वीडियो में। 12:15 आ गई, मैं अपने प्यारे से किचन में बनाती हूँ दोपहर का लंच, पटापट बनाते हैं नीचे कैटरस वाले आगे। अब खुशबू से हम मरते हैं क्योंकि आज है महाप्रसाद, तो वो लोग कैटरस वाले आ गए नीचे काम कर रहे, देखते हुए खिड़की से क्या कर रहे हो। है हमारे खिड़की के नीचे मैंने पौधे लगाए, ये है मनी प्लांट, ये कैटरस वाले सामान लेके आ गए, सब लोग आने बैठ गए, इधर नीचे बनेगा खाना, ये हमारी खिड़की है। तो इधर मेरी दाल उबलने बैठ गई है, इधर भात बन गया, ये भाजी बन गई है बस।
सामान लेने गए, बाहर सामान लेके आए तब तक परवेश का फोन आ गया। ए परवेश आगे जा, आगे चल, आगे जा। अब परवेश को भेजने जा रही हूँ मैं, पहले परवेश को जाना है ट्यूशन, तब तक इसका फोन आ गया। अब ड्राइव ये करेगा, ये देखो मैं आगे का व्यू दिखाती हूँ आपको। बस अब बैठ गया मैं स्कूटी में, परवेश चला रहा है स्कूटी में, मैंने थोड़ा आगे का व्यू भी दिखा देती हूँ। तो अभी रोड बिल्कुल खाली है, खासकर आज नौ दिन ना गणपति का नौ दिन है आज, कल गणपति विसर्जन होगा। तो आज हमारी सोसाइटी में हवन है, सत्यनारायण की कथा है, तो अभी कथा हो रही है। तो बच्चे का अभी ट्यूशन है, तो मैं इसको ट्यूशन भेजने जा रही हूँ। जाते टाइम परवेश लेके जा रहे हैं, आते टाइम मैं लेके आएगी गाड़ी को। मौसम है थोड़ा सुहाना है, सुबह से थोड़ा बारिश था लेकिन अभी धूप लगी। परवेश के आगे तो मैंने खाना खाया, खाना भी नहीं खाया था, क्लिप भी नहीं दिखाई, बनाते वक्त भी थोड़ा सा दिखाया था क्योंकि सामान लेने का भी था। तीन दिन से बोल रही थी मैं सामान लेना था लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो अभी मैंने बोला मैं पहले सामान लेके आती, सामान लेने गई थी तब तक परवेश का फोन आ गया। तब परवेश को भेजने गई ट्यूशन, परवेश को भेज के आया, खाना वाना खाया, बर्तन धोए। अब थोड़ा आराम करती हूँ, देखती हूँ पहले डेटिंग करेगी। अपने प्यारे से रूम पर थोड़ा सा आराम करती हूँ, प्यारा रूम क्या बोलूँ, कपड़े ऐसे बिखरे पड़े हैं, क्या करूँ, क्या क्या काम करूँ, घर का भी खुद ही करना है, बाहर का भी खुद ही करना है। आज ये सत्यनारायण की कथा अपनी सोसाइटी में, तो हमारे रूम के नीचे बैठे गणपति बप्पा, तो उधर आकर देखो आवाज़ आ रही है, पंडित जी कथा कर रहे हैं सत्यनारायण भगवान जी की। तो चलो आज के वीडियो को इधर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में। मेरे मुंह पे देखो सूजन कितनी आ रही है, बीपी चढ़ा है, बीपी ये साल कम ही नहीं हो रहा पता नहीं क्यों।